स्टेट हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। एक्सिस बैंक के कर्मचारियों की हुई मौत। संबल जनपद के चंदोसी स्थित बैंक में काम करने वाले बताए जा रहे हैं मृतक। कार में सवार थे कुल 3 लोग। कार और टैंकर के बीच हुई भिड़ंत। तेज रफ्तार के चलते हुआ बड़ा हादसा। वाहन के सामने कोई जानवर आ जाने के कारण हुआ हादसा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतकों में एक्सिस बैंक के मैनेजर भी हैं शामिल। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। कुनरकी थाना इलाके के डोम घर की घटना। अरुण अग्रवाल जी, जो हादसा हुआ कहां पर हुआ, कितने लोगों की मौत हुई? ये कुनरकी में हुआ था, सुबह लगभग 9:15 के आसपास, 9 बजे। और हमें 3 लोग सवार थे गाड़ी में, तीनों जिसमें से एक एक्सिस बैंक में ब्रांच मैनेजर थे, बाकी 2 उनके कुलीग थे बैंक में। तो जो हादसा हुआ वो गाड़ी बंदर आ गया आगे, उसके बाद गाड़ी को जैसे ही काटा तो सामने से टैंकर वाले ने जोरदार टक्कर की वजह से सामने से गाड़ी घूम गई है। 3 लोगों की मौत। क्या क्या नाम है तीनों का? एक का नाम है सौरभ श्रीवास्तव, एक का नाम है अमित और एक का नाम है दिव्यांशु। कहाँ के रहने वाले हैं? एक 2 तो लखनऊ के रहने वाले हैं, एक फिरोजाबाद के रहने वाले। कौन सी ब्रांच में? चंदौसी ब्रांच, एक्सिस बैंक। हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई इसमें? आज सुबह करीब 8:15 के आसपास मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाने में डोम घर एक जगह है, वहां पर एक इको स्पोर्ट फोर्ड गाड़ी और गैस कैप्सूल जो गैस का परिवहन करता है ट्रक, उसमें आपस में दुर्घटना हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें जांच करने पर पता चला कि 2 व्यक्ति की वहीं मौके पर मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति जो घायल था उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में जाकर उसकी मृत्यु हुई। जो व्यक्ति जिनकी डेथ हो गई थी उनको मोर्चरी भिजवा दिया गया, बाकी एक को अस्पताल पर जहाँ से उसकी डेथ होकर उसको भी मोर्चरी भिजवाया गया। जाँच करने पर आगे पता चला कि जो इको फोर्ड गाड़ी थी जिसमें 3 लोग सवार थे, ये मुरादाबाद से चंदौसी की तरफ जा रहे थे, एक्सिस बैंक में काम करते थे और ये एक इनके सामने अचानक बंदर आया और बंदर को बचाने के चक्कर में जो साइड में चंदौसी की तरफ से जो मुरादाबाद के लिए जा रहा था एक ट्रक, उसमें इन्होंने आगे जाकर उसमें टकरा गई। टकराने से मौके पर ही इन 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर, जो ऑयल कैप्सूल था उसका चालक गिरफ्तार हुए, वो भी अभी घायल था, उसका भी उपचार कराया जा रहा है।